हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी को धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ाऊंगा कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने धातु और अधातु की बात की थी और उनके भौतिक गुणधर्म की बात की थी। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और बच्चों, यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तीसरे अध्याय की धातु और अधातु की, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। पहला रासायनिक गुण है बच्चों धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। ठीक है बच्चों, मतलब कि जब भी हम धातुओं को वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, क्या बनाती है हमारी धातुएं। ठीक है, तो वायु में दहन करने का मतलब क्या है कि हम धातुओं की अभिक्रिया किससे कराएंगे बच्चों, ऑक्सीजन से कराएंगे। तो जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है या फिर कह सकते हो कि वायु में दहन करी जाती है, तो बच्चों वो धातु अपना ऑक्साइड बनाती है। धातु के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, ये ज्यादातर ऑक्साइड कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, वो ज्यादातर ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है बच्चों। ठीक है, ये जो ऑक्साइड बनते हैं धातुओं के, इनकी प्रकृति क्या होती है, ज्यादातर धातुओं के ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन बच्चों, इसके अलावा कुछ धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आप सभी को कि धातुओं के ऑक्साइड जो बनते हैं, इनमें कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति भी शो करते हैं और क्षारीय प्रकृति भी शो करते हैं। कौन कौन सी? अम्लीय प्रकृति भी शो करते हैं और क्षारीय, दोनों प्रकृति शो करते हैं। तो उन धातुओं के ऑक्साइड को क्या बोला जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड किनको कहेंगे? वो धातुओं के ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति भी प्रदर्शित करें और क्षारीय प्रकृति भी प्रदर्शित करें, तो उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। और कौन से धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं? तो दो धातुएं हैं बच्चों, एल्यूमिनियम और जिंक। ये दो ऐसी धातुएं हैं बच्चों कि जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा अभिक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं या वायु के उपस्थिति में दहन करेंगे किसी भी धातु को, तो उसके ऑक्साइड बनेंगे। मान लो कि हमने सोडियम धातु ले लिया बच्चों और ऑक्सीजन से उसकी अभिक्रिया करा दिया, तो ये क्या बनेगा बच्चों? Na2O बनेगा, जो कि क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। और इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों? क्षारीय प्रकृति के होंगे ये। ठीक है, अगर यहीं पे दूसरी धातु ले लें, मैग्नीशियम ले लिया बच्चों हमने और इसका अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया, तो ये क्या बना लेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा। और ये भी कैसा होता है बच्चों? क्षारीय प्रकृति का होता है। बच्चों यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, तो धातुओं के वो ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं बच्चों? क्षार बनाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे सोडियम का ऑक्साइड है, अगर इसको हम जल में डाल दें, मतलब कि जल में इसको घोलेंगे, तो ये जल में पूरी तरीके से घुल जाएगा और क्या बनाएगा बच्चों? क्षार बनाएगा।
और कौन सा क्षार बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अभी हमने उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बताया, तो बच्चों हमने दो धातुओं का नाम बताया था जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। एक है जिंक बच्चों और दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम। तो जिंक जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है। और ये कैसे होंगे बच्चों, ये ऑक्साइड का जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, उभयधर्मी होगी इनकी प्रकृति, मतलब कि वो अम्लीय भी होंगे और क्षारीय भी होंगे। इसका पता यदि लगाना है तो हम कैसे लगाएं बच्चों? इस जिंक के ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किसी अम्ल से कराते हैं, तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, जिंक का लवण बनाता है ZnCl2, और इसी के साथ जल अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देखिए कि एक अम्ल जिंक के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण बना रहा है और जल बना रहा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि ये अभिक्रिया मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं, अम्ल क्षार और लवण वाले अध्याय में पढ़ाया था कि जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है बच्चों। और यहां पे आप देखिए कि अम्ल का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है बच्चों, ये एक क्षार का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जिंक का ऑक्साइड है वो किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। अब इसके बाद इसकी अम्लीय प्रकृति अगर हम देखें तो हम जिंक के ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी क्षार से करा देते हैं, मान लीजिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, Na2ZnO2, ये एक टाइप का बच्चों लवण है और इसी के साथ जल बाहर हो जाएगा। अब बच्चों ये क्या है, एक टाइप का ये लवण है। यहाँ पे देखिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, क्षार है, और एक क्षार जिंक के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो जिंक का ऑक्साइड है वो कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है बच्चों, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलके क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख चुके कि जो जिंक का ऑक्साइड है वो कैसा है प्रकृति में, उभयधर्मी है, मतलब क्षारीय प्रकृति भी प्रदर्शित कर रहा है और अम्लीय प्रकृति भी प्रदर्शित कर रहा है। इसी वजह से इसके ऑक्साइड को कैसा ऑक्साइड बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से बच्चों एल्यूमिनियम का भी हम करा सकते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी उभयधर्मी होते हैं बच्चों। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसके बाद बच्चों दूसरा रासायनिक गुण है धातुओं का कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, जब जल के साथ धातुएं अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा, देख लेते हैं बच्चों। जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो उस धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों। ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है और इसी के साथ बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी निकल जाती है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमने कौन सी धातु लिया, सोडियम ले लिया, और इसका अभिक्रिया हमने जल से करा दिया तो ये क्या बनेगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों यदि हम कैल्शियम धातु ले लें तो ये अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है बच्चों और हाइड्रोजन गैस अलग कर देता है। बच्चों कुछ धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। इसके अलावा कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं बच्चों जो कि ना तो गर्म पानी और ना ही ठंडे पानी से अभिक्रिया करती हैं, वो भाप से अभिक्रिया करती हैं।
ठीक है, और वो धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। इसके बाद अगला रासायनिक गुण है बच्चों कि क्या होगा जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी बच्चों, तो वो क्या बनाएगी, लवण। और इसी के साथ बच्चों हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, तो जब भी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस भी निकालती है बच्चों। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे सोडियम धातु को ले लिए और किससे अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल से। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, यहाँ पे लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा बच्चों, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अगर यहाँ पे हमने मैग्नीशियम ले लिया बच्चों और उसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दी, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, यहीं पे बच्चों अगर हमने जिंक ले लिया और उसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दिया, तो वो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अम्लों को बदल कर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे तो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था, अब इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों कि हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। तो अगर हम सोडियम धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा Na2SO4 ये एक टाइप का लवण है बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देंगे बच्चों, तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर जिंक की करा दिया हमने H2SO4 से, तो क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हम नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ठीक है, वो दो केसेस में हाइड्रोजन गैस देता है। पहला, यदि हम नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराएं और या तो फिर मैग्नीज धातु से कराएंगे, तभी ये अम्ल हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन जुड़ी हुई है बच्चों कि जो नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा तनु होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें जो अम्ल की मात्रा होनी चाहिए, HNO3 की मात्रा होगी, वो 1-2% होनी चाहिए। लेकिन उसमें जो पानी मिलाएंगे हम, मतलब कि जो हम उसका जलीय विलयन बनाएंगे, जो उसमें जल ऐड करेंगे, वो कम से कम 98-99% होना चाहिए। केवल 1-2% उसमें नाइट्रिक अम्ल होगा और 98-99% जल होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम किससे कराएंगे, HNO3 से कराएंगे और ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा तनु होगा। तो ये क्या बनाएगा बच्चों, यहां पे MgNO3 का होल ट्वाइस और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी के साथ अगर हम मैग्नीज का भी देख लें तो ये क्या होगा, MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि HNO3 सारे धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता, केवल दो धातुएं हैं, कौन सी, मैग्नीशियम और मैग्नीज, उनसे ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तो देता है, बट वहां पर भी एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो यहाँ पे अम्ल की मात्रा होगी नाइट्रिक अम्ल की, वो 1-2% होगी। इसके अलावा उसमें सारा का सारा क्या रहेगा, जल रहेगा, मतलब 98-99% क्या रहेगा, जल रहेगा।
इसके बाद एक और रासायनिक गुण पढ़ना है बच्चों हम सभी को, कि जब भी किसी धातु के लवण का विलयन किसी अन्य धातु से अभिक्रिया करता है तो किस तरीके की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रयोग दिया है एनसीईआरटी की किताब में आप सभी के, कि क्या करते हैं कि दो बीकर ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक ये बीकर है और एक ये दूसरा बीकर है। इस बीकर में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया और इसमें हमने आयरन की कील डाल दिया। यहां पे मैं बता रहा हूं, एक ये बीकर ले लिया हमने और हमने इसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया और इसमें हमने लोहे की कील डाल दी आयरन की, और यहां पे हमने आयरन सल्फेट का विलयन ले लिया और किसकी कील डाल दी, मतलब कि हमने तांबे का तार डाल दिया, कॉपर का तार डाल दिया। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या होगा बच्चों कि ये जो कॉपर है तांबा है ये इससे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, और ये इससे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। पहले इस बीकर की बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, तांबे का तार है और क्या है बच्चों, आयरन सल्फेट का विलयन है FeSO4। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी इस बीकर में। क्यों नहीं होगी बच्चों, क्योंकि आप अगर सक्रियता की श्रेणी देखेंगे तो उसमें ये जो कॉपर है बच्चों वो क्या है, आयरन से नीचे आता है, मतलब कि आयरन से ये कम सक्रिय है, तो ये आयरन को यहां से विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो इस बीकर में कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। इस बीकर की बात करें बच्चों अगर हम, तो इसमें क्या है, आयरन है और कॉपर सल्फेट का विलयन है बच्चों, तो यहां पे क्या होगा कि ये आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा विस्थापित, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, तो क्या बनेगा बच्चों, FeSO4 बनेगा और इसी के साथ कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको रासायनिक गुण धातुओं के समझ में आ गए होंगे।